में मुझे एक डायलॉग मिला, वो मेरा टेस्ट केस था कि अगली पिक्चर में मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो डायलॉग उस वक्त याद नहीं हुआ, आज याद है। वो डायलॉग था, सरदार सरदार दुश्मन टिड्डी दल की तरह गोलियां बरसाते हुए आ रहे हैं, इतना बोलना है, सरदार सरदार दुश्मन टिड्डी दल की तरह। 20 रिटेक हो गए, इनके फादर इतने महान, उनके सामने खड़े होने को हाथ कांपते थे। अरे अला काड़ा ना कोणा दुसरे अला बोलवा, हे काय इतका वाट लावतो आमची, रात्रभर जागावं लागणार। अरे मैं बोला बैकग्राउंड कुछ नहीं, फ्यूचर भी जा रहा है, करूंगा क्या, पर किस्मत अच्छी थी तो स्क्रीन टेस्ट के लिए बुला लिया, गीत गाया पत्थर होने के लिए। तो राजेश खन्ना को पकड़ा, वो केसी कॉलेज की कैंटीन में बैठकर दिन भर रिहर्सल कराई। तो नेक्स्ट डे जब स्टूडियो में गए तो डायलॉग मिले, मैं तो अपना याद करके गया था, तो इनके फादर तो एकदम ठेठ उर्दू बोलते हैं ना, कणवा बाबा की कुटिया में रहते रहते मैं कह रहा था। मैं घबरा गया, अभी करूं क्या। और उस जमाने में राजश्री बहुत, इनकी बहन बहुत बड़ी हीरोइन, वो भी आ गई मेरे स्क्रीन टेस्ट के लिए, सामने खड़ी हो गई कैमरे के पीछे। अरे मैं बोला ये कहां से आ गई, तो वो ऐसे घबराहट में, अभी करूं क्या, डायलॉग ये हो गया वो गड़बड़ हो गई। अरे जूता निकाल, ए ऐसे शूज काढ़ा, मैं निकाले तो साला मोजा फटा हुआ। फिर वो कॉम्प्लेक्स में मर गया। फिर उसके बाद अभी खड़ा हूं, अभी देखिए कोई बात नहीं है, इनकी बहन आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उस दिन ए पापा पापा अपने फादर को बोल रही है, ए अच्छा नाकात लेके इस बड़ी कर मोटे है ना। माझ्या नाकात मी कधी बघितलं नाही, तुम्ही तुम्हाला केस कुठनं दिसले। तो ये मेरी शुरुआत, बट मैं जब तक जिंदा हूं इन इस फैमिली का, जो कुछ भी हो, मेरे को जन्म देने वाले मेरे माता पिता हैं, लेकिन जितेंद्र को जन्म देने वाले ये लोग हैं। मैं एक लो मिडिल क्लास का लड़का, राजश्री और ये इनकी छोटी बहन तेजू, तीनों मेरे घर पे मेरे फटे फूटे फ्लैट में आते थे, और मैं इतना घबराता था ये कहाँ आ गए। अरे चल पिक्चर बघायला जाऊया, पिक्चर बघायला जाऊया, और खिशात पैसे नाही माझ्या।